नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। सड़क पर चलते फिरते अराजक तत्वों पर कड़ी नज़र रखने और यातायात नियमों का उल्लंघन न हो, इसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के झांसी में सिपरी बाजार थाने की पुलिस ने डेली गांव, जो कि पुल के नीचे है, वहां पर रात के समय जबरदस्त तरीके से चेकिंग की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चेकिंग से संदिग्धों पर जहां कड़ी नज़र रखी जाती है, तो वहीं जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें भी जागरूक करने के साथ उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाती है। फिलहाल सिप्र पुलिस की यह कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप तो रहा, लेकिन पुलिसकर्मियों का कहना है कि वह लगातार ऐसी मुहिम इसलिए चलाते हैं ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करने के साथ कहीं कोई संदिग्ध यहां से निकल रहा है तो वह प्रशासन और पुलिस की नज़र से ना बच सके। फिलहाल आप देखिए, लगातार यहां पर चेकिंग हो रही है। ख़ासतौर से जो युवा वर्ग हैं उन्हें ज़रूर पुलिस टारगेट करती है, क्योंकि वह न तो यातायात नियमों का पालन करने में ज़्यादा आगे रहते हैं और साथ ही में ही इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां युवा चंद रुपयों के लिए किसी भी गलत काम को करने में आगे निकल जाते हैं, तो ऐसे युवाओं को या ऐसे संदिग्धों को जो पुलिस के सामने आ सकें उन्हें ज़रूर नज़र में लिया जाता है। फिलहाल हमारे संवाददाता अनिल मौर ने इस इलाके की जो कार्रवाई है पुलिस की उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड की और हम आपको इस पूरी कार्रवाई का नज़ारा दिखा रहे हैं और साथ ही आपसे अपील करेंगे कि यातायात नियमों का पालन ज़रूर करिए, क्योंकि यह आपके हित में है। झांसी के SSP शिवहरि मीणा लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि यातायात नियमों का पालन करने से आपकी सुरक्षा रहेगी और आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि नगर में झांसी स्मार्ट सिटी में मुख्य चौराहों पर अब CC कैमरे भी लग गए हैं, जो कि चालू हैं, और चौराहे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनके घर ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।